नमस्कार, प्रोफेसर SVSS नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। कबीर के विभिन्न पदों की जो श्रृंखला में अब अवरेक पद, इसमें किस प्रकार के जो मूर्ख गुरु या बिल्कुल गुरु के लायक नहीं हैं, गुरु जैसे ढोंग रचने वाले अगर मूर्ख गुरु मिले तो क्या होता है, इसका बढ़िया, बहुत बढ़िया उदाहरण के साथ उन्होंने अभिव्यक्त किया है। क्योंकि कबीर की विशेषता यह है कि कबीर ही नहीं, लगभग सभी संत कवियों की विशेषता यह है कि वो लोक में प्रचलित साधारण उदाहरणों के साथ बहुत गंभीर विशिष्ट आध्यात्मिक चीज़ों को समझाने की जो बहुत बढ़िया सफल प्रयास किया, वे लोग शत प्रतिशत इसमें सफल हुआ है, कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। देखिए, पहले पद देखेंगे। जाखा गुरु भी अंधला, चेला करा निरंद, अंधई अंधा टेलिया, दुनियों कूप पड़त। यहाँ देखिए, यहाँ चेला करा निरंद, मतलब पहले गुरु ही अंधा है, मतलब यहाँ अंधा मतलब भौतिक दृष्टि से नहीं, ज्ञान की दृष्टि से अंधा है, मतलब जिनके पास ज्ञान आई ही नहीं, इससे क्या होता है। और इसके साथ साथ अंधा अंधई टेलिया दुनियों कूप पड़त, क्योंकि यहाँ इसके पहले सदगुरु के बारे में बता दी, क्योंकि जो वास्तविक सच्चा ज्ञानवान गुरु तो आपको आध्यात्मिक मार्ग में आगे लेके जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर जैसे अज्ञानी या मूर्ख या बिल्कुल उसके पास कोई ज्ञान नहीं है, मतलब दिखावे के लिए गुरु है, जाका गुरु भी अंधला, चेला करा निरंतर, और उनके शिष्य क्या हो जाते हैं, इससे भी बड़े मूर्ख बन जाते हैं, क्योंकि ये आधा आधा ज्ञान का जो भी बताता है और इसको सुन के वो शिष्य और भी, इसलिए निरंत मतलब निरंत का मतलब घोर, मतलब ज्यादा अंधा है, ऐसे बन जाते हैं। देखिए आगे, यहाँ बढ़िया अंधई अंधा टेलिया, यहाँ देखो बहुत बढ़िया शब्द प्रयोग किया है। जो ज्ञानी गुरु तो क्या करते हैं, आगे चलकर आपको मार्गदर्शन देता है, क्योंकि जो स्वयं अंधा है, मतलब ज्ञान आई ही, मतलब ज्ञान अंध है, अगर अंधा क्या करता है, पीछे रहकर आगे किसी का जाने का सहारा लेता है, मतलब आगे शिष्य रहता है, पीछे गुरु रहता है, तब दोनों, एक अंधा एक निरंधा, मतलब और भी गोर अंधा, दोनों जाके कहाँ गिर जाते हैं, कूप में, कि हाँ कुआं मतलब कुआं नहीं, दोनों नरक में गिर जाते हैं, मतलब नरक में जाते हैं, कहना ही कबीर का उद्देश्य। और इसमें देखिए, कबीर का कहने का मूल उद्देश्य ये है कि आप जिस प्रकार जो आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना है तो सद्गुरु के आश्रय में जाना है। क्यों सद्गुरु के आश्रय में जाना है, एक पद में बता, सतगुरु किया अनंत उपकार कहते हैं। आजकल हम देखते हैं कबीर आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि इसलिए मैं प्रासंगिक कहता हूँ, आज भी इस प्रकार गोर अंधा या निरंद जैसे आजकल बहुत गुरु तैयार हो गए हैं, वो खुद कुछ नहीं जानते हैं लेकिन उनके पीछे बहुत लोग आज फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन इसका कारण क्या था, सब लोग जाके, आजकल बहुत गुरु तो जेल में पड़े हैं, मतलब कबीर का तो बिल्कुल सही है, मतलब जो जिस प्रकार मूर्ख गुरु हैं, गुरु भी जेल में हैं और उनके बहुत चेले भी आज जेलों में हैं। इसका देखिए, कबीर ये बात तो 600 साल पहले ही कबीर ने बता दिया। कबीर कहना चाहते हैं कि ऐसे गुरु, मतलब जो मूर्ख गुरु मिलने से क्या होता है, जाका गुरु भी अंधला, चेला करा निरंद, अंधई अंधई अंधा टेलिया, दुनियों को परंत। मतलब इसका कहने, कबीर का कहने का आशय ये है कि जो अंधा, मतलब जो ज्ञानांध, मतलब जिनके पास सच्चा ज्ञान नहीं है, सच्चा ज्ञान मतलब शिष्य को आध्यात्मिक मार्ग में भगवान की ओर, भगवत भक्ति की ओर, मोक्ष की ओर ले जाने वाला चाहिए। लेकिन जिस प्रकार जो अंधा, मतलब जिनको ज्ञान नहीं है, अर्ध ज्ञान या आधा आधा ज्ञान, आधा ज्ञान तो बहुत भयंकर होता है, मतलब बहुत हानिकारक भी है,
ऐसे गुरु मिले तो गुरु भी गिरना तो तय है और गुरु के साथ साथ उनके चेले भी गिरना तय है। यहाँ इसमें बहुत बढ़िया उदाहरण के साथ जो पहले एक पद में सद्गुरु की महिमा बताए, अब खराब गुरु मिले तो क्या होता है यह भी बताया। वास्तव में कबीर, मैं हमेशा कबीर को सबसे पहले समाज सुधारक के रूप में मानता हूँ। धन्यवाद।